इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फंड जो है ना, बेसिकली इंडेक्स फंड से पहले आप इंडेक्स का मीनिंग समझ लें। इंडेक्स जो है ना, बेसिकली मुल्क जो है ना, हमारा जो मुल्क है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी जो इकोनॉमी है, वो दो तरीकों से मेजर की जा सकती है। एक जीडीपी होती है और एक इंडेक्स है। जीडीपी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि मुल्क में कितनी प्रोडक्ट बन रही है, कितनी इंपोर्ट हो रही है और कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। अगर हमारी बाहर के मुल्क प्रोडक्ट ज़्यादा जा रही है और हम इंपोर्ट काम करवा रहे हैं, मतलब 100 प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और 200 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, हमारी जो जीडीपी है वो अच्छी है, तो हमारी इकोनॉमिक जो है वो डेवलप कर रही है, वो तरक्की कर रही है। तो इसका एक और भी तरीका होता है इंडेक्स। इंडेक्स के जरिए से कैसे देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ना हम देखते हैं जो टॉप 30-50 कंपनीज होती हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को देख के हम इंडेक्स निकालते हैं। मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज हमारा डिवेलप हो रहा है, तो जीडीपी हमारी अच्छी हो रही है, मुल्क की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है। तो क्योंकि जो टॉप कंपनीज इसमें कौन सी आ जाती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उनकी जितने भी टोटल मार्केट में शेयर इशू हुए हैं, टोटल उनकी मार्केट में एक वैल्यू है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, टोटल शेयर्स को लेकर ना मल्टीप्लाई कर दें पर शेयर से, तो आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो जो टॉप कंपनीज होती हैं ना अपनी फील्ड की, या जो नंबर वन फील्ड की, जो नंबर वन कंपनीज होती हैं अपनी फील्ड की, या जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, वो टॉप 50 कंपनीज हम स्टॉक एक्सचेंज में सेलेक्ट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक इंडेक्स फाइंड करते हैं। उधर से फिर हमें पता चलता है कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमी हमारी डेवलप कर रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ें उधर से भी दो तरीकों से आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो इंडेक्स फंड जो होता है, बेसिकली आपको मैंने बताया, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेड फंड ही होता है। बस इसमें क्या होता है, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है, जो इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो बेसिकली पहले से ट्रैक करके डिसाइड कर देता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे पैसे हैं, वो इस जगह पर इन्वेस्ट करें, इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इस कंपनी के शेयर खरीदें, या इस कंपनी का बॉन्ड खरीदें, या इस कंपनी में इसका फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, या इस कंपनी के शेयर खरीदें, या इसमें इक्विटी ऐसा, तो उसको पहले से ना एक पहले से बता देता है। और इंडेक्स फंड में ना हमें मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, मैनेजर का काम होता है कि देखना कि पैसे किस जगह पर लगाने हैं, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, और जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रॉफिट देना। तो बेसिकली इंडेक्स फंड में तो इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, वो पहले से बता देता है जिसने इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि मेरे जो पैसे हैं इस जगह पर लगे। तो बेसिकली इसमें जो मैनेजर का काम है वो रोल इतना नहीं होता है। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।